इस गाड़ी के अंदर जब आप चलाते हो तो फील आ जाती है, आप जब पिकअप जो है बहुत अच्छी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में ही आप 100 पे चले जाओगे 9 सेकंड के अंदर अंदर। आज की अगर दिन लेनी होती है इन सारी चीजों का आपको पता होता है अंकुर, तो गाड़ी लेते हैं आप? ये नहीं, ये नहीं लेते। इस डैशबोर्ड के अंदर से गड्ढों में आवाज आती है, कुछ हिलने की खड़खड़ आती है। वहाँ पे जो सर्विस मैनेजर है उन्होंने इसको नाम दे दिया फीचर का। तो मतलब कि ये आपका एक गलत डिसीजन था। नमस्कार, आप सब लोगों के लिए आज जो है वो दो दो टिगोर आई है। दो दो टिगोर, एक तो टिगोर हमारे पास रहती है हमेशा। ये थोड़ी सी डिफरेंट आपको लग रही होगी क्योंकि ये टिगोर JTP है, अंकुर की गाड़ी है। तो आज इनसे बातचीत करते हैं कि टिगोर तो ली लेकिन JTP कैसे ली। ठीक है, इनका एक अलग ही एक्सपीरियंस है इस गाड़ी के साथ में, कितनी चला दी है, कितनी जेब के ऊपर भारी पड़ती है, वो सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर हम लोग बताएंगे। बहरहाल एक बार बता दूं कि बहुत ज़्यादा जो है वो आपको देखने को जो है वो चेंजेस नहीं मिलेंगे गाड़ियों के अंदर, आपस के अंदर डिफरेंसेस। एक ये ग्रिल वगैरह मैस पैटर्न टाइप की, ये सारी चीज़ें इस टाइप की, और ये इसके अंदर क्रोम का है, इसके अंदर ब्लैक का है, यही सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, काम की चीज़ ये है कि इसके अंदर जो है 5 mm ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो कम मिलती है आपको JTP के अंदर। लेकिन चलाने के बाद देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस है हम लोगों का। ये है अंकुर, आपका स्वागत है चैनल में। ठीक है, और ये हैं हमारे रवि भाई, और सामने से कुछ इस टाइप की दिखाई देती हैं ये। तो एक तो ये चीज, और एक यहाँ पर आपको JTP वगैरह देख दिख जाएगा। तो बाकी चीज़ें भाई, बात ऐसी है कि काफ़ी जो है ना वो धूप है यहाँ पर, तो काफ़ी धूप है, तो अंदर चल करके ही बात करते हैं, और चलाते हुए ज़्यादा बातचीत जो है वो मज़ेदार होगी। एक बार चलाते भी हैं। ये तो बड़ा आवाज़ करता है यार, ये हर कोई लगा रहा है। और टाटा की जेन्युइन एक्सेसरी है। हैं? हाँ, एंड आई वाज आल्सो सरप्राइज कि इतना अच्छा। ये वही है जो 5,000 में दे रहे थे वो लोग। हाँ, जो 5,000 में दे रहे थे, फ्री दे रहे थे। कॉस्ट 5,000 थी, फ्री मुझे फ्री पड़ा था शोरूम से। अरे JTP आप लिए यार, फ्री में कुछ भी दे देते आप। खैर, बहुत ही धासु इंजन था इस गाड़ी का, एक बार आपको चला करके बताएंगे। ठीक है, पता नहीं क्यों ये मेरे ख्याल से अल्ट्रोज वगैरह के अंदर भी आना चाहिए था यही सारी चीजें। मतलब इस गाड़ी के अंदर जब आप चलाते हो तो फील आ जाती है, आप जब पिकअप जो है बहुत अच्छी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में ही आप 100 पे चले जाओगे 9 सेकंड के अंदर अंदर। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, ये गाड़ी किसी ने आपको सजेस्ट करी थी कि ऐसे ही आपके मूड में, मतलब आपके मन कर गया कि यार चलो लेते हैं? नहीं, ये थोड़ी घर वालों के साथ चीटिंग हुई थी। घर वालों ने बोला छोटी गाड़ी लेनी है, तो हम देखने तो गए थे टियागो। फिर देखा पीछे डिक्की मिल जाए तो अच्छी बात है। अब मेरे को लगा कि यार एक थकी हुई गाड़ी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, मज़ा नहीं आता। तो टिगोर के मैंने रिव्यूज देखे थे, तो गाड़ी के अंदर पावर कम बताते थे लोग। ये टिगोर ओनर है, देख लेना, संभल गए। 6-4 हाइट है इसकी। अच्छा ये बताओ मुझे, इससे पहले कौन सी गाड़ी रखी थी आपने? इससे पहले मेरे पास में स्विफ्ट रह चुकी है, और स्विफ्ट का सबसे पहला जनरेशन। ओके, और उसके बाद में मैंने TUV 300 चलाई थी, एंड फिर उसके बाद में मैंने ये गाड़ी ली थी। हाँ, स्विफ्ट के कंपैरिजन में जो आप नॉर्मल टिगोर देख रहे थे वो तो आपको काफी बहुत स्पेशल लथार्जिक लगता है उसका इंजन आपको। हाँ। आपको गियर नॉब के ऊपर वाइब्रेशन जरूर फील होते हैं इसमें। इसमें ठीक है, वो जो मैंने आते ही कमेंट किया था कि बहुत ही फाड़ू इंजन था, उसको थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ। ठीक है, इंजन बहुत फाड़ू तो नहीं कहेंगे। ठीक है, सस्पेंशन बहुत स्टिफ है भाई इसके, पूरे अपोजिट है जो नॉर्मल टिगोर और इसके जो है ना अभी फील करना ब्रेकर में। बेचारे 70,000 चल चुकी है, उसमें कई बार दबाया गया है उसे, जो कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अच्छा आप बात करते हैं कि एवरेज वगैरह की जो है ना, ऑन कैमरा अपनी बात नहीं हुई थी एवरेज वगैरह को लेकर के, तो कितना क्या कुछ देती है भाई ये सिटी के अंदर? मेरे को बहुत ज़्यादा पुश करने पे 9 की एवरेज देती है, 8 से 9 की एवरेज।
अगर मैं इसको नॉर्मल चलाऊं सिटी के अंदर तो करीब करीब मुझे 11 की एवरेज मिल जाती है। अच्छा। हाईवे पे चेक किया था जीरो करके MID में और 14 की एवरेज भी मैंने निकाली थी लाइट फुट से और ARAI 15 है। तो इधर मतलब हेड्स ऑफ टू टाटा की 15 के बोल के 14 मिल भी रही है। जो नेक्सोन है, नेक्सोन का जो ARAI है वो 17 के आसपास है, इसका 15 है लाइट वेट होने के बावजूद भी। इसे कुछ इस तरीके से ट्यून किया गया है, इसमें टर्बो लैग आपको थोड़ा सा कम मिलता है। इसको चाहे आप स्पोर्टी नॉइस बोल लो, चाहे कुछ भी बोलो, कैबिन नॉइस है गाड़ी के अंदर। और उसका एक जो रीजन है वो है लो प्रोफाइल टायर्स। तो इसके टायर जो है वो नॉर्मल टिगोर से हाइट में कम है। चेंज करवाए हैं क्या? नहीं, ये फैक्ट्री टायर है जो आए थे कंपनी के साथ। यार एक बार ये पकड़ के देखिए। हाँ, पकड़ी है। कितना ज्यादा कर रही है भाई, ये तो इसका जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा, इसके स्पोर्ट और सिटी में कितना अंतर आ जाता है? बहुत फर्क है। मैं सिर्फ माइलेज का एवरेज का पूछ रहा हूँ। अच्छा, माइलेज में, माइलेज के अंदर कोई फर्क नहीं है, तो मैं पसंद यही करता हूँ चलाने के। कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं दिखता, एकदम वही घटिया माइलेज आती है सिटी के अंदर। सेम बेंचमार्क घटिया माइलेज आती है। या आपने कभी सीरियसली नहीं लिया, कभी आपने ऐसा मेजर नहीं करा ऐसे तरीके से? या फिर नहीं, नहीं मैंने सीरियसली लिया, मैं सिटी के अंदर चलाने की कोशिश करी क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा बाद में पेनफुल लगने लगा था कि माइलेज कम है। ऐसी क्या बात हुई कि गुड़गांव के अंदर पहली गाड़ी आपने ली उसके बाद ये बिकी नहीं? ऐसा कौन सा मुहूर्त करा यार तुम्हें कि उनकी गाड़ी नहीं बिकी? फिर है उनको पता चलेगा तो इस वजह से। तो ये गाड़ी बाकियों को फुली शायद माइलेज की वजह से ही पसंद नहीं आई। लुक्स की वजह से आप देखोगे तो लुक्स तो बहुत अच्छी है और माइलेज का मेरा फैक्टर था नहीं क्योंकि मैंने जो गाड़ी ली थी ये गाड़ी लीज पे ली थी। तो आई सेव ऑन टैक्स, तो मेरे को अल्टीमेटली फ्यूल का भी इतना ज़्यादा लेना देना था नहीं। तो ऐसा सर्विस में कभी प्रॉब्लम आई टाटा के अंदर आपको? क्योंकि एक आध सर्विस तो हो गई होगी इसकी। हाँ, इसकी पेड वाली 4 सर्विस हो चुकी है। तो 3 फ्री हो चुकी है, 1 पेड हो चुकी है। पेड वाली में कितना खर्चा आता है इसका? पेड वाली के अंदर खर्चा मेरा करीब करीब था 3,000 रुपये। ओके। जिसके अंदर उन्होंने ऑयल नहीं डाला था तो इस वजह से कम है, क्योंकि ऑयल डलता तो और ज़्यादा ज़्यादा आगे जाता। अच्छा, इसका भी 7,500 किलोमीटर वाला है क्या इसका? मतलब कि 6 महीने में एक बार जानी है। हाँ, 6 महीने में एक बार जानी है और 10,000 किलोमीटर वाला। ऑयल चेंज जो है 15,000 किलोमीटर में होगा और 6 महीने में 7,500 किलोमीटर में एक बार आपको लेकर जानी है, अगर आपने वारंटी को बरकरार रखना है तो। लेकिन सर्विस सेंटर वाले यहाँ पर भी मतलब मैं कहूँगा इतने बड़े नमूने हैं इस गाड़ी के अंदर, एक कमी है डैशबोर्ड के अंदर से गड्ढों में आवाज आती है कुछ हिलने की, खड़खड़ आती है जो कि मतलब दूसरी टिगोर से शायद इनहेरेंट है। अब क्या है, मैंने एक दिन कंप्लेंट करी कि ये करो तो उन्होंने फोम वोम डाल दी, उससे रिजॉल्व नहीं हुआ। मैं दोबारा बोला मैं कुछ करो, डैशबोर्ड खोल के अंदर से करो ना, क्योंकि दो चीज़ें आपस में बज रही है तो उनके बीच में कुछ डालो। तो वहाँ पे जो सर्विस मैनेजर है उन्होंने इसको नाम दे दिया फीचर का कि इस गाड़ी में ये आवाज़ जो है ये तो फीचर है। तो मैंने उनसे पूछा कि आवाज आती है, परेशानी होती है, परेशान करने वाला फीचर है उस फीचर से क्या फायदा है, आपने नहीं पूछा? तो थोड़ी देर बहस करने के बाद उनके पास कोई जवाब नहीं था मेरे सवालों का कि ये फीचर कैसे है, वो मिलेगा भी नहीं। और उन्होंने मेरे को सर्विस देने से मना कर दिया। क्यों? और ओ मतलब इस चीज की कि ये हम अच्छा। नहीं करेंगे, अगर आप खुलवाना चाहते हो डैशबोर्ड तो आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि टाटा की तरफ से कोई भी डायरेक्टिव नहीं है कि हम लोग डैशबोर्ड को खोलें। उन्होंने मेरे को बोला कि 5,000 आपको देने पड़ेंगे। तो मैं सोचा गाने चला लेंगे। लोग ऐसे ही बोलते हैं, एक्सक्यूज यही देते हैं यार थोड़ा गाना सुन लिया करो। इतना अच्छा म्यूजिक सिस्टम मिलता है यार। खैर वो चीज नहीं है, वो चीज छोड़ो उस चीज को। तो मतलब कि ये आपका एक गलत डिसीजन था? ये मेरा डिसीजन गलत नहीं था, क्योंकि जो इसकी कमियां है कुछ वो तो मुझे पता थी और अच्छा। कुछ कमियां ऐसी हैं जिनको लेके मतलब मुझे लगता है कि शायद उन पे कुछ इम्प्रोवाइज किया जा सकता है। तो कमियां हैं काफ़ी हैं, जैसे डैशबोर्ड वाली जो चीज़ थी मुझे पता नहीं थी, प्लस ये वाला वेरिएंट टेस्ट ड्राइव के लिए अवेलेबल नहीं होता।
तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम नई गाड़ी खरीदने टाइम पे यूजुअली हर गाड़ी के लिए यही आती है कि टेस्ट ड्राइव में सिर्फ एक ही वेरिएंट होता है और आपको दूसरे वेरिएंट का गैस लेके चलना होता है कि वो भी अच्छा निकलेगा। अच्छा ये बताओ कि पोलो वगैरह भी थी TSI इंजन के साथ उस टाइम पे, इससे कहीं बेहतर है वो इंजन, उसका टॉप एंड भी अच्छा है और स्मूथ भी है वो इंजन, तो उसका मन नहीं बना आपका? मुझे एक्चुअली बजट रिस्ट्रिक्ट करके चलना था, तो ये मुझे करीब करीब 8 लाख की पड़ गई ऑन रोड, और पोलो महंगी पड़ती तो इस कारण से पोलो नहीं ली। बाकी ये गाड़ी लेनी नहीं थी, वो तो एक इनर सेल्फिशनेस थी कि मेरे को था कि एक परफॉर्मेंस भी थोड़ी ऐड हो जाए गाड़ी में, घर वालों को तो छोटी गाड़ी चाहिए थी सिटी पर्पस के लिए, तो आई थॉट कि अगर चलो डिक्की मिल जाए तो बाहर भी ले जाएंगे, पावर मिल जाए तो मैं भी चला लूंगा। अच्छा रखने का इरादा है लंबा या फिर अभी इसको निकालने की सोच रहे हो? मैं एक्चुअली इसको निकालने की तो नहीं सोच रहा, क्योंकि अगर मैं रिसर्च करूं ऑनलाइन तो जितनी भी टर्बो गाड़ियां, आप सोनेट देख लो, आप दूसरी कोई भी गाड़ी देख लो, वेन्यू देख लो, ऐसा नहीं है कि वो एवरेज आपको 15 या 16 की दे रही है, उनकी एवरेज भी कहीं ना कहीं 11 12 के आसपास ही है, तो इसको एवरेज के चक्कर में अगर मैं निकालता हूं तो वो गलत डिसीजन होगा, तो मैं इसको अभी फिलहाल रखूंगा। एंड फ्यूचर में अगर मेरे को इसमें माइलेज चाहिए या कुछ चाहिए, जब पुरानी काफ़ी पुरानी हो जाएगी, तो आई विल सी कि मार्केट के अंदर क्या टर्बो गाड़ियों के लिए CNG किट अवेलेबल है, अगर है तो आई विल इंस्टॉल CNG। मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि CNG रगड़ने वाले हो, मतलब सीधी सी बात ये है यार, जब एवरेज चाहिए तो CNG लगवा लूंगा भाई, क्योंकि टर्बो की परफॉर्मेंस तो है ही है, थोड़ी कम हो जाएगी CNG से, कहते हैं 17-15% कम हो जाती है। अरे नहीं तो रीसेल भी कितनी होगी इसकी, इतनी ज्यादा तो नहीं होगी मेरे ख्याल से, लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये गाड़ी है। हाँ एग्जैक्टली मार्केट के अंदर ना अगर। अच्छा ये बता तेरे को कैसी लग रही है ये? मेरे को बड़ी मतलब कि वाइब्रेशन वाली चीज थोड़ी सी आ रही है, और थोड़ी सी मेरे को उतनी ज्यादा रिफाइन वाला हिसाब किताब नहीं लग रहा। परफॉर्मेंस वो ठीक है, वो अच्छी है, ये भी नहीं कहूँगा कि बेकार है, लेकिन हाँ अबव एवरेज बढ़िया है, मतलब ठीक है। अगर इसका प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो ये ठीक है गाड़ी। हाँ ये गाड़ी मेरे को उस मामले में जस्टिफाइड लगती है। कुछ है चीज़ें जो इसमें कमियाँ हैं, कुछ हैं जो अच्छाइयाँ भी हैं, तो मैंने क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है तो मैंने लिख भी ली थी चीज़ें। तो सबसे पहले तो आप देखोगे यहाँ पे जब आप बैठते हो तो आपकी टांग जो है वो सामने फंसती है, तो कोई लंबा इंसान अगर यहाँ बैठेगा तो वो एक कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन नहीं ले पाएगा यार, डैशबोर्ड तो वही है। इवन इफ कई किसी की आदत होती है यार इधर के, वो तो आदत के ऊपर होती है, कोई इधर रखता है कोई, क्योंकि अगर आप सीट पीछे रखोगे टांग के चक्कर में तो शोल्डर्स में दर्द होगा, अगर आप सीट को आगे रखोगे तो टांग टकराएगी, तो कहीं ना कहीं कंफर्टेबल सीटिंग आपको नहीं मिलती। नंबर दो सीट जो कंफर्ट है इसके कुशनिंग है वो बहुत सॉफ्ट है, अगर लॉन्ग ड्राइव्स की बात करें तो जो ड्राइवर सीट है उसके अंदर कुशनिंग जो है कुछ टाइम के बाद दब जाती है और आपकी कमर में दर्द होने लगता है, लंबर सपोर्ट जो है वो बहुत ही पुअर है। अच्छा ये बताओगे कितना किलोमीटर चलाई है आपने लगातार ये गाड़ी? मैंने लगातार चलाई है वन गो में मनाली तक, तो करीब 700-750 किलोमीटर हो गए होंगे। तीसरा डैशबोर्ड नॉइज जो कि हमने फीचर डिस्कस कर ही लिया, नया फीचर। फिर हेडलाइट्स जो है, हेडलाइट्स की थ्रो जो है लाइट में, मतलब नाइट में, वो काफी पुअर है। अगर आप इसको प्रोजेक्टर हेडलैम्प बोल के आप इसको एडवर्टाइज करते हो तो फिर उसके अंदर चीप क्वालिटी तो मत लगाइए, नहीं तो हेलोजन ही दे दो। बिल्कुल उसमें हेलोजन बल्ब भी होता है उसके अंदर, वो प्रोजेक्टर के अंदर, ऐसा नहीं कि वो LED डालते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा और एनहांसमेंट मिलेगा आपकी नाइट ड्राइव में, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक गिमिक फीचर है। और फीचर भी क्या कहें यार, होंडा होंडा जो है मैक्सिमम गाड़ियों में जो है अभी आप अभी से देने लग गए हैं, इससे पहले तो वो यही करता था, मतलब उसकी नॉर्मल लाइटें आती थी और क्या उसकी वो क्वालिटी थी, था कि हमें जरूरत ही क्या है, सिंपल जब हमारी नॉर्मल लाइटें ही इतना वो चीजें करती है। अभी तो आपको ड्राइवर में भी मिलेंगी वो 5-5, 6-6, 7-7 लाख की गाड़ियों में भी मिल जाएंगी वो, लेकिन उसके अंदर हेलोजन ही है। आगे सर, इसके आगे जो है इसका एक पूरा पॉइंट जो कि बोल ही दिया ऑलरेडी रोहित जी ने भी, कि NVH लेवल तो भाई बेंचमार्क से भी ऊपर है। अभी रोड की आवाज आएगी, लो प्रोफाइल टायर है,
डैशबोर्ड आवाज करेगा, गियर बॉक्स हिलेगा। अमूमन हम लोग क्या डिस्कस करते हैं कि चलो भाई ठीक है, पढ़ाई बहुत हो गई है, बता कमी क्या है, कुछ मतलब अच्छी चीजें बताओ। कुछ अच्छी चीजें भी बता दो यार। एक लास्ट पॉइंट कमी हो रहा है जो कि कंपनी को मिल भी नहीं रही। क्या होता क्या है, कई बार गाड़ी को स्टार्ट करो तो गाड़ी मिसिंग मारती है, ठीक है, चलते चलते बंद होगी। ये वो एक वो फ्यूल का वो क्या नाम था, वो एक बंदे ने बताया था ना हमने, इंजेक्टर का इशू। इंजेक्टर इशू नहीं बताया था, कुछ और बताया था रवि, क्या बताया था उसने कि मिसिंग वाला। खैर छोड़ उस चीज को, अब मिसिंग का हो गया आगे। हाँ, अब थोड़े अच्छी चीजों पे बात कर लेते हैं। अच्छा, तीन ही थे, चार ही थे? हाँ, ये कुछ मतलब तीन चार छह पॉइंट थे, तो छह पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। अच्छा, बाकी माइलेज कम है यस, लेकिन वो तो खैर एक्सपेक्टेड है क्योंकि परफॉर्मेंस है। ये आपको पहले से पता रहता है, ये नेगेटिव नहीं, ये लेने से पहले पता रहता है। अगर माइलेज ही चाहिए तो ये गाड़ियां आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ना नई ना पुरानी। एग्जैक्टली। अब अच्छी बात ये है कि एक तो गुड लुकिंग है। अच्छा, एक कमी और थी, ये टाटा की सारी गाड़ियों के अंदर है एक ये भी फीचर है। क्या जी? ये आप अगर आप सामने विंडशील्ड का शीशा देखोगे, ये नहीं, ये इसके जस्ट नीचे एक क्रैक आ रहा है छोटा सा, ये आपको दिखा? हाँ, दिख। मेरे दोस्त ने नेक्सॉन खरीदी, उसकी भी उसकी विंडस्क्रीन के ऊपर पूरा क्रैक आ गया अपने आप। अपने आप कुछ बिना कुछ करे, ये तो किसी से टकराया है तभी आया, क्योंकि नहीं 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 दोस्त के में भी ऐसे ही शुरू हुआ, शीशा पूरा क्रैक हुआ और उसने जाके अपनी नेक्सॉन के लिए कंप्लेंट करी सर्विस सेंटर में। सर्विस सेंटर वालों ने पूरी विंडशील्ड फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करके दी। अच्छा। उन्होंने माना कि ये दिक्कत है टाटा की विंडशील्ड्स में। अच्छा, तो ये एक चीज है जो कि कमी है टाटा की गाड़ियों में, कुछ टाइम के बाद आपको देखने को मिलेगी। ओके। और हाँ, अच्छी बात करें तो ठीक है, गाड़ी लुक्स में बहुत अच्छी है, गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अगर मैं आगे वाली सीट्स को बोलता हूँ कि कुशनिंग नरम है, पीछे वाली सीट बहुत अच्छी है लॉन्ग जर्नीज के लिए, आपको लंबर सपोर्ट जबरदस्त मिलता है। लेग स्पेस बहुत अच्छा है, आप देख रहे हो रोहित जो है वो 6 feet है, मैं खुद भी 6 feet हूँ, एंड जहाँ तक कि आप देख पा रहे हो अच्छा खासा लेग रूम है। मेरे पास थाई सपोर्ट भी है सरप्राइजिंगली, अगर मैं थोड़ा सा टांगे चौड़ी कर लूँ तो मैं आराम से बैठ सकता हूँ और खुला खुला। दूसरी चीज इसमें फर्क है कि इसमें एक आर्मरेस्ट आता है जो कि शायद दूसरी टिगोर में नहीं आता, नहीं, जो नहीं, पहले वाली में आता है। शायद तभी मैंने बोला शायद। म्यूजिक सिस्टम ऑफ कोर्स टाटा लगा के देता है, अच्छा हरमन का है, सुनने में अच्छा लगता है, मजा आता है। सर्विस कॉस्ट जो है वो कंसीडरेबल है, ठीक है, लो है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, तो अगर हम अभी बाहर निकलेंगे तो आपको दिखाऊंगा फादर से एक जगह थोड़ी सी गाड़ी साइड से लग गई थी, लेकिन सोचने की बात यह है उनको पता भी नहीं चला कि कब लग गई थी। और इस गाड़ी के अंदर सिर्फ मतलब खरोच, ऊपरी खरोच के अलावा और कुछ मेजर डेंट भी नहीं है, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे कि बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें तो हाँ, ऑन पेपर्स कम है, बट जैसे कि हमने पहली बात कर ली, सस्पेंशन क्योंकि स्टिफर है, तो इस रीजन से क्या होता है कि मैंने स्विफ्ट भी चलाई है, तो मेरे किसी नोन के पास स्विफ्ट है, सेम ही गड्ढे के अंदर स्विफ्ट जो है आगे बम्पर नीचे लग गया, इसका नहीं लगा। तो ग्राउंड क्लियरेंस ऑन पेपर कम है, लेकिन वैसे आपको गड्ढों में गाड़ी नीचे से नहीं लगेगी। और हाई स्पीड्स पे क्योंकि स्टिफर सस्पेंशन है तो आपको बॉडी रोल का तो मतलब ही नहीं है, उल्टा आपको बहुत ही प्लांटेड चलती है गाड़ी। तो एक इसकी कमी और ये भी बोलेंगे, बताओ। नहीं नहीं नहीं, हाँ बताओ, सब कुछ चलेगा। एसी जो है कमी है, तो है एसी की बहुत कमी है, बिल्कुल। आगे जो है आपको फिर भी एसी की हवा आएगी, पीछे मुझे जो है ऑलरेडी पसीना आने लग गया। टर्बो की विसल सुनना है, सी करके आती। एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ये इंजन अच्छा परफॉर्म करता है टर्बो की रेंज में आने के बाद, लेकिन जो इसकी रेंज है ना, मतलब टॉप एंड में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है इस इंजन की, मिड रेंज बहुत अच्छी है जो कि ज्यादा यूजेबल रहती है। लेकिन अगर आप चाहो कि इसके साथ वाली गाड़ियां जैसे पोलो TSI वगैरह या आपकी हुंडई का 1 liter वाला जो है, अगर आप ड्रैग रेस वगैरह करवाओगे ना, तो थोड़ा सा ये पीछे रह जाएगा। एक्चुअली देयर इज अ वीडियो ऑन YouTube जिसके अंदर ड्रैग रेस ही करी है, तो उसके अंदर ये जो है जस्ट नेक्स्ट टू पोलो आई थी सेकंड रैंक पे। इन गियर एक्सेलरेशन VW की गाड़ियों का बड़ा ही जबरदस्त होता है, एकदम से उठा लेती है, ये चीज इसमें थोड़ा सा मिसिंग है। इसको अगर एंड टू एंड अगर आप परफॉर्मेंस वाली रेंज के अंदर इसको भगाते हो तो अब तो आपको कम समय में ज्यादा स्पीड मिल जाएगी, लेकिन अगर आप मान लो एक बार
एक किसी सर्टेन स्पीड से उसके बाद खींचने की कोशिश करोगे ना, थोड़ा सा डाउन शिफ्ट करना ही पड़ेगा। प्राइस डिफरेंस कितना था लगभग? नॉर्मल टिगोर जो थी विदाउट टर्बो, वो मेरे को लगभग लगभग 1,00,000 रुपए सस्ती मिल रही। 1,00,000 रुपए का अंतर था, और जिस रीजन से ये मतलब कि था 1,00,000 रुपए महंगा, वो इतना ज़्यादा जस्टिफाई जो है वो नहीं कर रही अपनी चीज़ों को। वाइब्रेशंस वगैरह है, नॉइसी इंजन हो गया आपका, और जैसे कि रवि ने बताया कि एक सर्टेन रेंज तक ही है वो सारी चीज़ें, ठीक है, तो वो वाली चीज़। और दूसरी चीज़ दोस्त, फैमिली के साथ जब चलते हो तो वो शिकायत नहीं करते कि बड़े स्टिफ हैं, झटके आ रहे हैं? हाँ हाँ, तो कंफर्ट नहीं है उस लेवल का। जैसे अगर आप किसी होंडा सिटी जैसे टाइप सेडान में बैठते हो तो आपकी जो राइड होती है वो काफी प्लश होती है, आपको पता लगता है कि एक प्रीमियम गाड़ी है, एक महंगी गाड़ी है। नॉर्मल टिगोर में ही ले लो, कंपैरिजन कर लो इसका, तो उसमें काफी अच्छी है वो, तो बिल्कुल फस फस करते हुए चलती है गड्ढों में। तो मे बी यही रीजन थे कि इतना ज्यादा जो है सक्सेसफुल नहीं हुई जेटीपी वाला जो हिसाब किताब था इनका। इन्होंने जो प्लस पॉइंट बताए थे वो ज्यादातर तो नॉर्मल जो टिगोर आ रही है उसके अंदर भी है। इन्होंने गुड लुक्स बताए थे इस गाड़ी के, ठीक है, सेफ है, सेफ दोनों ही गाड़ियां हैं, इक्वली है, बल्कि उसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 5 mm ज्यादा भी है इससे। तो बट एक बात बताओ ना, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो मतलब एंथुसियास्ट हैं, और वो लोग बहुत कम होते हैं कहीं कहीं पर पाए जाते हैं। हाँ, अगर क्योंकि कुछ टाटा के हिस्से में आ जाते हैं, कुछ VW बोलो, ये TSI वगैरह इंजन जो है ना वो लेकर के चले जाते हैं। बलिनो RS भी नहीं चली भाई, वो तो अलग ही था वो हिसाब किताब, वो भाग लेगी रुकेगी नहीं वो। ये उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग नहीं। बात बताऊं कि क्योंकि गाड़ी फैमिली में एक ही लेनी होती है, बहुत सारी तो नहीं रख सकता कोई, तो सोच समझ के लेते हैं कि यार सब लोगों का काम कैसे चल जाए, तो उस दायरे में ये बहुत कम आती है। बट एक अच्छी चीज मुझे पता है क्या लगी इसमें, नेक्सोन के इंजन की तरह ना अनबैलेंस नहीं हो रहा है ना, स्मूथली पिक कर रहा है, वो यूं हिल जाती है थोड़ी। ये थोड़ा सा और रिफाइन होता ना धीरे धीरे, अगर वो होते तो ये ज्यादा मेरे को लगता है सक्सेसफुल होता है इसके अंदर। बहुत सक्सेसफुल होती है अगर इसके अंदर NVH लेवल भी कम कर देते बस वही। बट ओवरऑल मुझे अपनी गाड़ी की कंपैरिजन में तो मजा आ रहा है इसको चलाने में। टियागो तो इससे भी बढ़िया चलती फिर। हाँ, टियागो JTP वाज सरप्राइजिंगली क्वाइट गुड, बट स्टेबल NVH कम था, इसमें ज्यादा स्टेबिलिटी है उसके कंपैरिजन। दूसरी टिगोर चला के देखी है JTP? है ही नहीं भाई, मैं बता रहा हूँ तेरे को गलत गाड़ी दे दी। इसमें मेरे हिसाब से ना नेक्सोन वाला गियर बॉक्स होना चाहिए था 6 गियर के साथ, तब आपको तगड़ा एवरेज मिलता, समझ रहे ना? क्योंकि 6th gear में डाल के आप बड़े आराम से क्रूज कर सकते हो हाईवे पे। हाँ। और क्योंकि गुड़गांव के अंदर NH48 की कनेक्टिविटी है तो गुड़गांव के लिए तो ये गाड़ी वैसे भी बहुत अच्छी हो जाती है। RPM में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वही है क्या 2500 से 2200-2800 में चलेगी है। कैसी लगी तेरे को? सही है, बंद होनी चाहिए थी, कंटेनर रहनी चाहिए थी क्या? जब नहीं बिगड़ी थी तो रख के क्या फायदा था? इनकी बीच में बिगड़ी क्यों पता नहीं, ये इसकी ज्यादा एड वगैरह भी नहीं करी इन्होंने यार टाटा ने ना, बिल्कुल भी इसकी एडवर्टाइजमेंट भी नहीं। मेरे को लग रहा पहले ही पंगा हो गया था कुछ ना कुछ। दाल में कुछ काला था भाई। यार नीचे कमेंट में बता सकते हो आप लोग कि क्या आप लोगों को लग रहा है, आपका शक के दिमाग क्या कहता है, ठीक है। तो ये था आज का जो है वो टिगोर JTP के बारे में वीडियो, और आपको जो भी नेगेटिव बताए पॉजिटिव बताए वो आप लोग समझ ही गए होंगे कि गाड़ी के अंदर क्या चीज़ें हैं, किस वजह से ये शायद इतना ज़्यादा नहीं चली गाड़ी, ठीक है। आज की अगर दिन लेनी होती है इन सारी चीज़ों का आपको पता होता अंकुर, तो गाड़ी लेते आप? ये नहीं, ये नहीं लेता, इसके अलावा काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो अगर आप बात करो तो टर्बो इंजन्स तो बहुत सारी गाड़ियों में, अलग अलग सोनिक में है, वेन्यू में है,
अब तो एक तरह से फैशन सा भी हो गया ये. एग्जैक्टली. तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, और इसी मैसेज के साथ समाप्त करेंगे कि अगर फोर व्हीलर चलाते हो तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, टू व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा. जय हिंद, जय भारत. भारत माता की जय. थैंक यू सो मच अंकुर. थैंक यू भाई. वैसे हमने इस बार ये नहीं बताया कि कितने लोग बैठे हैं गाड़ी में, जैसे अभी पांच वो दिखाई दे रहे हैं. तीन नहीं दो. अच्छा नहीं यार, ऐसा मत बोलियो अभी तू. हमारी हम इतना वर्कआउट करके ना एक कर लिया हम लोगों ने अपने आपको.